let's do an example. Here I have HF, then HCl, then HBr, and then HI. Electronegativity of hydrogen is 2.1, this is 4.0, here 2.1, here 3.0, here 2.1, here 2.8, 2.1, and 2.5. Now, if I want to find out the change here, that means what is the difference in electronegativity? Here it will be 1.9. For HCl, it is going to be 0.9. For HBr, it is going to be 0.7. Then it is going to be 0.4. So this is the change in electronegativity. So if someone asks me from HF to HI, how the ionic character is increasing or how the ionic character is decreasing. So we know that change in electronegativity is directly proportional to the ionic character. So I can write down that HI will have the least ionic character because unke beech ka difference sabse kam hai. Then there will be HBr, HCl and HF. So this is going to be the order of ionic character. And if they ask you the order of covalent character, jitna kam difference hoga, utna zyada covalent character hoga. So, agar is direction mein jayenge, this is going to give you the order of covalent character. Achha, what does this covalent character and ionic character means? Ninth class mein aapne padha hoga ki बॉन्ड जो है दो तरीके से बनता है. एक तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड्स को आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड. जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है तब वो फॉर्म करता है आयनिक बॉन्ड, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन दैट केस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो अभी अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, मान लो मैं एच एफ ले रही हूँ, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींच के रखे, तो ज़रा सी भी अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे ये ब्रेक हो जाएगा बीच से बॉन्ड, और फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा तो खुद पर चार्ज हो जाएगा एफ माइनस और हाइड्रोजन पर चार्ज हो जाएगा एच प्लस. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, फ्लोरीन को दे दिया, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया. तो इस टाइप के जो ब्रेकिंग हो जाती है उस वो कौन से स्पीशीज में होती है, आयनिक बॉन्ड में. कोवेलेंट कैरेक्टर में इतना आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है क्योंकि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है. गॉट इट? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही बॉन्ड पोलर होगा. पोलर मतलब मैं एच एफ का एग्जाम्पल ले लूँ तो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा शिफ्टेड किसकी तरफ होंगे, फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा. डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा. तो ये यहाँ पर आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, तो इस पर आ जाएगा हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव. तो ये एक कंपाउंड में दो पोल्स जनरेट हो गए, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल. तो दिस इज नोन एज योर पोलैरिटी, polarity of a bond. So we can say that polarity of the bond is directly proportional to the change in electronegativity. जितना ज़्यादा उनके बीच में difference होगा electronegativity का उतना ही ज़्यादा bond polar होगा, और जितना ही ज़्यादा bond polar होगा उतना ही कौन सा character होगा उसमें, ionic character. Write down this. Reshma, is that okay? Ya fir you want me to scroll up more? Jaldi se likh lo.
आई होप इट्स डन नाउ. ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर. ठीक है आपके पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए एच एफ, ऑप्शन बी सी सी एल, ऑप्शन सी पी एच, ऑप्शन डी एच सी एल. अब आपको मैंने ऊपर डेटा लिखवाया था, वो डेटा चेक करो, बताओ इसमें से लीस्ट पोलर कौन सा है जल्दी से. Which is going to be the least polar बोल रही हूँ, लिख दो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये पोल्स जनरेट होना. चलो देखो हाइड्रोजन का अगर आप वैल्यू चेक करोगे इट इज 2.1 एंड 4. कार्बन का वैल्यू चेक करोगे 2.5 3.0. यहाँ पे हाइड्रोजन 2.1 3.0 एंड 2.1 एंड 2.1. इसका मतलब अगर मैं चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे 1.9 है, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 0.5, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 0, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 0.9. तो ये बताओ सबसे लीस्ट पोलर कौन सा है जिसमें डिफरेंस ही नहीं है, एंड दैट इज योर सी. आंसर क्या हो जाएगा, सी. संपदा वैल्यू एक्चुअली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ ये भी याद हो जाता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो भी बात बन जाएगा, है ना. बाकी एक आधे कुछ की अगर याद करनी है तो कर सकते हो, हाइड्रोजन की याद कर लो, फ्लोरीन की याद कर लो, बट सबकी याद नहीं करनी है. तो मैंने एक्चुअली ना अभी आपको थोड़ा सा नया है ना ये टॉपिक, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यू की याद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं. इवेंचुअली आप धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे दैट यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हो आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में होगा, जो इधर होगा और जो इधर होगा इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा ना. जो यहाँ पे जितना ज़्यादा पास होंगे उनका डिफरेंस उतना ज़्यादा कम होगा. एंड फॉर दैट मैटर हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस का वो मैंने आपको ऊपर नोट्स में स्पेशली बता दिया, जहाँ जिनकी वैल्यू सेम आ रही है तो वो फिर भी देख लो कि इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है. फॉर दैट मैटर अगर मैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में भी कंपेयर करूँ, हाइड्रोजन का 2.1 है, कार्बन का 2.5 है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 0.4 का आ रहा है. तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते, हम बोलेंगे कि इनकी ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, इनके बीच में कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है. ओके बट यू विल कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस लाइक धीरे धीरे आराम से, लाइक डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, इतना सब कुछ याद करना है ज़रूरत नहीं है. ओके वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा आप लोगों को. ओके चलो देन नेक्स्ट टॉपिक इज इसी में Henry and Smith calculated percentage ionic character in a particular bond by formula. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये बताया कि किसी भी बॉन्ड के बीच में उसका आयनिक कैरेक्टर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला था 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर.
ओके अभी देखो ये याद करना चाहो तो कर लो, बट अभी तक एग्जाम में कभी भी ना ही जेई में ना ही नीट में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें से। ठीक है, एक्स ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एंड एक्स बी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सो जस्ट डोंट वरी, बस लिख लो नोट्स में, होना चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन जो है, पहला हमने पढ़ा था इट वॉज अबाउट योर नेचर ऑफ बॉन्ड, सेकेंड वन इज योर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अब जो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लर्न करना पड़ेगा। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें, जो अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया वही सेम ले रहे हैं, 0.4, 0.7, 0.9, 1.9 HF, HCl, HBr and HI। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की आप बात करोगे तो जितना ज़्यादा चेंज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच इन दोनों का एटम्स के बीच में, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा ये कौन से केसेस के लिए है, व्हेन एटम्स आर मोस्टली फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग हो रही है तब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बट इसको ए पार्ट कर लो और दूसरा बी का बी पार्ट कर लो, अगर बॉन्ड जो है या फिर कंपाउंड जो है वो सिर्फ मेनली आयनिक टाइप का कंपाउंड ही फॉर्म कर रहा है, बट इन कंपाउंड्स हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आयनिक कोवेलेंट कहाँ कहाँ पे बनता है, ठीक है, बट इन कंपाउंड्स विच आर मेनली आयनिक उस केस में हम पोलैरिटी देखते हैं, पोलैरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके दैट इज मोर पोलर द बॉन्ड ईजिली इट विल ब्रेक, जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर है मतलब हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये जो आपके पास जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना आसानी से बॉन्ड का ब्रेक होना तय है, या आप इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर सकते हो किससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। लिख लो ये, फॉर एग्जाम्पल एच एफ तो खैर नॉट आयनिक, इट मेजरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स कौन फॉर्म करते हैं, मोस्टली मेटल्स, ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास ये मेटल है, एम ओ एच टाइप का कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एम ओ एच, ये मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 3.4 है, ऑक्सीजन की यहाँ पे 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1। अगेन मान लो एक और दूसरा मेटल जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 2.1, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे डिफरेंस की हम बात कर लें, इनके बीच का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.1, और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दैट इज योर 1.4,
है ना। इसमें चेक करोगे अगर आप चेंज का 1.2 से 3.5, दैट मीन्स 2.3 का चेंज आ रहा है। एंड ओ और एच के बीच में यहाँ पे चेंज करोगे, चेक करोगे तो यू विल हैव 1.4 का चेंज। अब बताओ अगर मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है फर्स्ट वाले केस में, ओके दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज माय सेकंड एग्जांपल, एंड इफ आई वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, वेयर इट विल बी इजी फॉर मी टू ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम दिस साइड, लेट्स से दिस इज योर ए साइड एंड दिस इज योर बी साइड, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना ईजी होगा, फ्रॉम ए साइड और बी साइड। यस संपदा, नेहा योर आंसर इज राइट, स्निग्धो आपका आंसर गलत है। जयिता आपका करेक्ट है। नाजनीन आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो जितना ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ही आसान होगा मेरे लिए बॉन्ड को ब्रेक करना। तो फर्स्ट वाले केस में, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन, इफ आई वांट टू ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम हियर साइड ए और साइड बी, तो बॉन्ड ब्रेक करना मेरे लिए इजी कहाँ से होगा, यहाँ से, बिकॉज इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड पोलर होगा, और जितना ही ज़्यादा वो बॉन्ड पोलर होगा उतना ही ईजी होगा मेरे को ब्रेक करना, ठीक है। सेकेंड वाले केस में यहाँ पे डिफरेंस है 2.3 का, यहाँ पे 1.4 का, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना मेरे लिए आसान है। अगेन आई एम गिविंग दिस साइड, लेट्स से दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, फ्रॉम विच साइड इट इज बेटर फॉर मी टू वेयर आई कैन ब्रेक द बॉन्ड, एक्स और वाई। यस गुड, नाउ एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से मेरे को बॉन्ड करना, ब्रेक करना ईजी है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इज गोइंग टू बी पोलर, और जहाँ पोलर हो गया ब्रेक करना ईजी है। अच्छा, इसको कंपेयर नहीं करना है पहले वाले केस में, क्योंकि पहले वाले केस में हमने क्या बोला कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और जितना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना मुश्किल है मेरे को बॉन्ड को ब्रेक करना। बट ये कौन से केस के लिए है, अगर बॉन्ड्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग कहाँ होती है, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में मोस्टली, ठीक है। और आयनिक बॉन्डिंग कहाँ होती है, जो आपके दो मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ पे मोस्टली यू विल फाइंड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। एक तो बोल रहा है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, दूसरा बोल रहा है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। बट ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है और ये आयनिक बॉन्ड के लिए है। दिस यू हैव टू ध्यान रखना इन डूइंग द क्वेश्चंस। अच्छा, अगर बॉन्ड यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ इसका मतलब है हम क्या रिलीज कर रहे हैं, एच प्लस आयन, दैट मीन्स दिस स्पीशीज इज एसिडिक इन नेचर। बॉन्ड यहाँ से अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो रिलीज कौन सा स्पीशीज कर रहे हो, ओ एच माइनस, दैट मीन्स ये स्पीशीज कैसा होने वाला है, बेसिक इन नेचर, बिकॉज ओ एच माइनस आयन रिलीज कर रहा है। ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, स्टेटमेंट वन इज AlOH whole thrice is amphoteric in nature, and statement 2 is in AlOH whole thrice aluminium O and OH bonds are broken with equal ease, okay? तो इस टाइप पे आपको क्वेश्चन देखने को कई बार मिल सकते हैं, नीट में वैसे तो आते हैं, बट ये IIT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि AlOH whole thrice is amphoteric in nature, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? So yes, this statement is correct, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है that I am telling you।
अभी बोल रहा है कि उसका स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि ये इसका रीजन बता रहा है कि इन ए एल ओ एच होल्ड राइज एल्यूमिनियम ओ, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो आप एल्यूमिनियम ओ एच के साथ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तीन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि तीन ओ एच है ना, इस तरीके से तीन ओ एच के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर मैं एक ही को कंसिडर करूँ यहाँ पे, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.5, कार्बन का होता है 3.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1। ओके, तो डिफरेंस के हिसाब से हम देखें तो 1.5 और 3.5 इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। यहाँ पे 3.5 से 2.1 दैट मीन्स इसका डिफरेंस कितना आ गया, 0.9 का। तो सॉरी ये 2 का डिफरेंस हो गया ना, सॉरी सॉरी 2 का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगर मेरे को बॉन्ड को ब्रेक करना है, इफ आई वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, तो मैं कहाँ से ब्रेक करूँगी, यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ए एल ओ एंड ओ एच बॉन्ड आर ब्रोकन विद इक्वल ईज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? नो, है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यू कैन राइट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस टाइप के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये 3.5 में 1.4 का डिफरेंस आ रहा है ना, सॉरी 1.4। ठीक है, एनीवेज बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक होगा, है ना, दोनों इक्वल ईज से तो ब्रेक हो नहीं रहे। अगर एग्जैक्ट सिमिलर होता तो हम तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट नाउ दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। ओके, तो दिस वॉज योर सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, टेल मी एवरीवन, व्हाट आर ऑक्साइड्स? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो लिख देते हैं यहाँ पे इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड में जा रहे हैं दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देन आपको पता है विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स आते हैं आपके, तो उसका नेचर ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड दस एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। सो इफ यू रिमेंबर, आपने 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जो भी आपके ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड पीरियड ले रहे हैं, आई एम कंसिडरिंग द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम होता है, वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा Na2O, देन MgO, देन Al2O3, देन SiO2, देन P4O10, then we will have SO3 and Cl2O7। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स हो गए थर्ड पीरियड के, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, एंड देन लास्ट में क्लोरीन का। अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होगा एसिडिक नेचर का, तो क्या होने वाला है, लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, बिकॉज नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सो दिस विल बी योर ऑर्डर। Got it? लिखो जल्दी से, समझ में आ रहा है?
Okay. Next is in a group किस तरीके से ऑक्साइड्स का नेचर डिफरेंट होगा. सो इन अ ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. देयरफॉर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम बेसिसिटी ऑक्साइड्स की इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप ले लूँ, है ना, हमारे पास है लिथियम Li2O, सोडियम Na2O, पोटेशियम का K2O, देन Rb2O एंड CsO2. तो जब मैं टॉप टू बॉटम आऊँगी, इन दैट केस बेसिक नेचर of oxides will increase. ठीक है, तो आपको इस तरीके से काफी क्वेश्चन दे सकते हैं कि अरेंज करो इन सबको उनके बेसिक नेचर में या एसिडिक नेचर में. तो आपको बस ये पता होना चाहिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. लेफ्ट टू राइट आप जाते हो अंदर पीरियोडिक टेबल में तो एसिडिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आओगे तो आपका बेसिक ऑक्साइड का नेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. चलो लिखो जल्दी से. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर हाइड्राइड्स? बताओ जल्दी से, व्हाट आर हाइड्राइड्स? यस, सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स. रेणुका, वाटर नहीं होता, हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड करेंगे वो हम हाइड्राइड्स बोलेंगे उसको, ठीक है. वाटर के साथ जो भी होता है उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, नॉट हाइड्राइड्स. ओके, सो इन अ पीरियड अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ले रही हूँ सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड में वी आर टेकिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो NH3 बनाता है, वाटर ऑक्सीजन H2O बनाता है, और ये HF फॉर्म करता है. ओके, अगेन लेफ्ट टू राइट जाओगे अगर आप, तो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस. थर्ड पीरियड ले लो, जैसे हमने सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लिया वैसे ही वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पीरियड ऑल्सो. थर्ड पीरियड में अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो, मैं ले रही हूँ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. फॉस्फोरस फॉर्म करता है PH3, सल्फर फॉर्म करता है H2S, एंड क्लोरीन फॉर्म करता है HCl. अच्छा, ये हाइड्रोजन इधर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना. सो इस केस में भी
आपके पास एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। फॉर दैट मैटर अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होते हैं ऑलमोस्ट, और ये एसिडिक होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिटी बढ़ रही है ना आपकी। अगर कंपेयर करने को बोलोगे तो आप यही बोलोगे कि एसिडिटी HF की ज़्यादा है H2O की कंपेरेटिवली। ऐसे ही pH 3 की बात करोगे यहाँ पे, सो दिस इज वीकली बेसिक H2S जो होता है, ये थोड़ा सा वीकली एसिडिक होता है, एंड HCl इज एसिडिक। यहाँ पे चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्राइड्स। विच मेटल, मेटल के साथ भी होता है स्निग्ध, ऐसा नहीं है। मैं लेफ्ट टू राइट बोल रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मेटल के साथ भी रिएक्शन होगा, NaH फॉर्म करेगा और MgH2 फॉर्म करेगा, जो भी आप मेटल ले लो। बट मोस्टली जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो स्टेबल कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्राइड्स के, वो नॉन मेटल्स के ही फॉर्म होते हैं, इसलिए हम उसी को लेते हैं। NaH ये सब बहुत आप कम फाइंड आउट करोगे, बहुत रेयर कंपाउंड्स हैं। इवन सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म भी नहीं कर पाते, क्योंकि साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो इतना अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, अब आपने जब एसिड बेस पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो वहाँ पे ये पढ़ा था कि सारे स्पीशीज जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो आपके पास एसिड कहलाएंगे, है ना। ये तो पढ़ा होगा डेफिनेशन, ऑल दो स्पीशीज विच कैन रिलीज H प्लस आयन और विच गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एज योर एसिड्स। तो जैसे हम HNO3 ले लें, HNO3 एसिड होता है, अगर ये H प्लस आयन अपना रिलीज कर देगा तो बचेगा क्या, NO3 माइनस। ओके, दिस इज योर एसिड। तो जो भी एसिड से H प्लस आयन रिमूव करने के बाद जो भी बचता है उसको हम बोल देते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कोई भी आप एसिड ले लो, जैसे हमने ले लिया H2SO4, ये भी एसिड है, ये अगर अपना एक H प्लस आयन दे दे तो बचा क्या, HSO4 माइनस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज आने चाहिए। तो ऐसे ही जो हम ऊपर हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, हमने एग्जांपल क्या लिया, NH3 लिया, हमने इधर H2O लिया था, इधर हमने HF लिया था, तो हमने बोला लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि H प्लस आयन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं, इसमें से H अगर आप रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, F माइनस, यहाँ से H रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, OH माइनस, यहाँ से H हटा दोगे तो क्या बनेगा, NH2 माइनस। ये क्या है आपके पास, दीज आर योर कॉन्जुगेट बेस, ओके। और एसिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, मोर स्टेबल the conjugate base, conjugate base को मैं CB लिख रही हूँ, more stable the conjugate base, stronger will be the acid। सबसे ज़्यादा stable जो conjugate base होता है वो होता है F minus। अब क्यों F minus होता है, आपको पता है कि left to right जा रहे हैं तो electronegativity बढ़ रही है, मतलब electron को अपने पास रखने की tendency क्या हो रही है, increase हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ nitrogen, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, विच हैव द मोर टेंडेंसी टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स
them out of all three, which have the more tendency to keep the electrons towards them. Yes, Renuka, good. Anyone else? Out of all these three atoms, nitrogen, oxygen, and fluorine, which will have the more tendency to contain the electrons? Yes, Pragna, your answer is also right. Good. Snake, though, correct. Good. Acha. So, electron jo hai, wo nitrogen ke paas zyada rehna pasand karega ya fluorine ke paas? सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास रहना पसंद करेगा या फ्लोरीन के पास, किसके ऊपर उसको रहना ज्यादा कंफर्टेबल है? अब जैसे आप किसी के घर गेस्ट बन के जा रहे हो और अगर कोई आपको विलिंग नहीं है रखने के लिए, तो क्या आप स्टेबल रहोगे, आप हैप्पी रहोगे उनके घर पे? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी. आप आए हो, आपने विजिट किया एंड दे आर नॉट हैप्पी, तो क्या आप वहाँ पे स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे? नहीं, आप उन्हीं के पास हैप्पी रहोगे ना, जहाँ पे आप को मोर वेलकम फील होता है, लोग आपको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आप वहीं जाना चाहोगे. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? उसी के पास जाना चाहेगा जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास. और वो रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी टेंडेंसी किसके पास है? फ्लोरीन के पास. तो ये जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन आया, जो आपने कॉन्जुगेट बेस फॉर्म किया, वो ज़्यादा स्टेबल कौन से केस में हो रहा है? फ्लोरीन के केस में. तो जितना स्टेबल होगा आपके पास कॉन्जुगेट बेस, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा? एसिड. इसीलिए HF जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू H2O एज कम्पेयर टू NH3. NH3 तो फॉर दैट मैटर बेस होता है, वो इतना अच्छे से अपने हाइड्रोजन H+ आयन को देता ही नहीं है. बात समझ में आई? Is it clear or not? Okay, Reshma, लिख लिया आपने? जोएल क्या कर रहे हो? म्यूट पे रहो और इतनी आवाज में पढ़ाई कैसे कर पा रहे हो आप? जोएल कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ टीवी में देख रहा है. अभी बताती हूँ उसको मैं क्लास के बाद. चलो अब हम बात करते हैं इन अ ग्रुप क्या होने वाला है हाइड्राइड्स के नेचर के बारे में. ठीक है, सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ओके, विद इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, ओके, योर टेंडेंसी टू गिव H+ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group with increase in bond length, बात करेंगे अभी इन सब के बारे में, लिख लो, bond dissociation energy and thus the release of hydrogen in the form of H+ ion increases and thus acidic nature increases. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है. मैं ले रही हूँ HF, HCl, HBr and HI. तो ये जो हाइड्राइड्स लिए हमने, हैलोजन्स के जो हाइड्राइड्स लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो आप अगर यहाँ से H+ आयन हटा दो, सब में से अगर हमने H+ आयन को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? F-, Cl- Br- and I-.
अब अगर मैं साइज देखूँ, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होगा, क्लोरीन का थोड़ा और बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, एंड आयोडीन का उससे भी बड़ा, ठीक है। ये साइज का डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो एटॉमिक साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज को इतनी छोटी सी जगह में रहना है, इस नेगेटिव चार्ज को इतनी बड़ी जगह में रहना है, ब्रोमीन में इतनी बड़ी जगह पे और आयोडीन में इतनी बड़ी जगह पे, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, फ्लोरीन पे या आयोडीन पे, वेयर इट विल बी मोर कंफर्टेबल। यस संपदा, गुड। यस अनन्या, करेक्ट है, गुड। जयिता, करेक्ट है, गुड। रेणुका, गलत है बेटा। स्निग्धो, करेक्ट है, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, इस कमरे में दो लोगों को रहना है, कमरा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, दो लोग कंफर्टेबली फैल के कहाँ रह पाएंगे, सबसे बड़े वाले कमरे में ना। वही बात है, इस नेगेटिव, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है ना सब पे, ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव चार्ज में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को रहना आसान है, बट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। तो ऐसा होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और अगर टॉप टू बॉटम आते हो देन साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब साइज जो है वो ओवर पावर कर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पावर पे, ठीक है। इसीलिए हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो हम साइज चेक करते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अंडरस्टूड? लिखो जल्दी से। Done writing? Okay, चलो यहाँ पे एक और टर्म आता है, वो आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल स्टेबिलिटी? इस वर्ड से क्या समझ रहे हो? स्टेबिलिटी विद अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, गुड प्रज्ञा। संपदा, यू आर ऑल्सो राइट। अनन्या का भी करेक्ट है, गुड। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो भी वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगेन, यहाँ पे हम ले रहे हैं HF, HCl, HBr एंड HI। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगा? लेंथ मतलब हम बात कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वो हमको पता है। तो दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा इन चारों में से किस में ज़्यादा होगा?
एच आई में ज्यादा होगा या एच एफ में ज्यादा होगा? ये मैंने ड्रॉ कर दिया बॉन्ड, है ना। मोस्टली लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, स्निग्धों का गलत है और संपदा का गलत है, बाकी संपदा ने बाद में सही दे दिया है। ओके, अनन्या इज राइट एंड जयिता, रेणुका, अभिलाष एंड अंकित, सबका आंसर करेक्ट है। ऑफ कोर्स दोनों का साइज छोटा है, ये इसका बॉन्ड लेंथ होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ये होगा, इसके न्यूक्लियस से आप नापोगे ना, इसका बॉन्ड लेंथ ये होगा और इसका बॉन्ड लेंथ ये होगा। क्लियरली आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी तो ज़्यादा होगा ना, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? जितना लंबा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही आसान होता है बॉन्ड को ब्रेक करना, गॉट इट, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबा है, उससे स्ट्रेंथ पे फर्क हम नहीं बात कर रहे, है ना। हम बोल रहे हैं जितना लंबा आपके पास बॉन्ड आप बना रहे हो उतना उसको ब्रेक करना इजी होता है, और एनी वेज टॉप टू बॉटम बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है बिकॉज साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एज दी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होगा? टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा? यस, गुड, इट विल बी लेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जितना लंबा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या होने वाली है उसकी? कम होने वाली है। ओके, तो अगर मुझे इसमें ऑर्डर लिखना है थर्मल स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब एच एफ ज़्यादा स्टेबल होगा हीट के, इतना आसानी से नहीं टूटेगा, और एच आई का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो आसानी से टूट सकता है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी is inversely proportional to bond length. लिखो ये, एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर मैंने LiH ले लिया, NaH ले लिया, KH ले लिया, RbH ले लिया और CsH, ठीक है, दूसरा BeH2, MgH2, CaH2, Strontium H2, BaH2, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थर्मल स्टेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो योर ऑर्डर विल बी लाइक दिस, गॉट इट। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो छोटा सा, अगर स्मॉल कटायन है प्लस स्मॉल एनायन, दोनों का ही साइज छोटा छोटा है, तो मोर स्टेबिलिटी। इन लैटिस
लैटिस मतलब सॉलिड फॉर्म जो करते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, लैटिस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म. मोर स्टेबिलिटी इन लैटिस, सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, हेंस ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको ब्रेक करने के लिए. Hence, high energy is required to break the lattice. जितने ही जो मेटल होते हैं ना, मेटल हाइड्राइड्स, वो लैटिस फॉर्म करते हैं, सॉलिड फॉर्म आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं लैटिस. लिखो ये ओके. सो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क के लिए, ट्राई टू डू इट. अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, आपको कंपाउंड कौन कौन से हैं, SiH4, CH4, PH3, HCl, H2S. इन सबको आपको अरेंज करना है. ठीक है, मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. आप लोग ट्राई करना इसको करने का. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. वैसे तो इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, बट फिर भी लाइक यू माइट कम अक्रॉस विद दीज टर्म्स वाइल डूइंग सम एनी एक्स्ट्रा बुक. जब आप सॉल्व करोगे तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू डोंट इवन नो कि क्या है ये. ठीक है, तो पहला है पॉलिंग एक्सप्रेशन. उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी इज कैलकुलेटेड बाय. दो एटम्स के बीच में अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला था, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 ई ए एंड बी माइनस हाफ ई ए प्लस ई बी बी होल ब्रैकेट हाफ. अभी जो टर्म्स हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं वो देखो. एक्स ए इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एक्स बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी. ओके, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. ई ए और बी जो है बॉन्ड एनर्जी है बिटवीन ए एंड बी. ई ए ए जो है इट इज योर बॉन्ड एनर्जी between A and A, and this is your bond energy between B B.
मतलब दो एटम जो है, ए ए जो एटम फॉर्म कर रहा है, बी बी जो एटम फॉर्म कर रहा है, उनके बीच का जो भी बॉन्ड एनर्जी है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। एनी वे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, शायद जे में एक दो बार थोड़ा सा पूछा गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना क्वेश्चन इसमें से देखने को नहीं मिलता है। सो व्हाट पॉलिंग डेड वॉज, पॉलिंग कंसीडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एक्स एच इज इक्वल टू 2.1। उन्होंने हाइड्रोजन का 2.1 कंसिडर करके देन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके रेस्पेक्ट में निकाल दिया एंड कैलक्यूलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम्स विद रेस्पेक्ट टू इट। अब इसमें से क्वेश्चंस आए गए नहीं, बट इन केस अगर आ जाता है तो ये सब वैल्यू आपको गिवन रहेगी ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन वाला पोर्शन बस। ओके, लिखो ये जल्दी से। अगर एनर्जीज की यूनिट गिवन जो है वो किलो कैलोरी में है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। व्हेन Energy is in kilo calories per mole. But अगर आपके पास energy kilo joules per mole के form में दी हुई है तो थोड़ा सा value अलग हो जाएगा, जो starting में value है वो different हो जाएगा। If bond energies are in kilo joules per mole, then कैसे निकालोगे एक्स ए एक्स बी, बाकी सब चीज़ें सेम है, यहाँ पे बस 0.102 हो जाएगा। ओके, रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम, दिस इज ई ए बी माइनस हाफ ई ए ए प्लस ई बी बी होल रेज टू द पावर हाफ, रेस्ट इज सेम। तो इफ वैल्यू इज इन किलो जाउल्स पर मोल तो ये यूज कर लेना, और अगर किलो कैलोरी पर मोल में है तो ये वाला यूज कर लेना। राइट डाउन दिस। हाँ अनन्या, दैट्स व्हाट आई सेड कि यू माइट कम अक्रॉस विद दिस पॉलिंग एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग इन एक्स्ट्रा बुक्स, बट नीट और जेई में एज सच पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। ओके, आई होप यू हैव रिटन एवरीवन। चलो नेक्स्ट इज योर मलिकन एक्सप्रेशन, मलिकन मुलिकन जो भी बनना चाहो। तो इन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया फॉर हिज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ कि बोर्ड्स में अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो देन आई थिंक पॉलिंग एक्सप्रेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी आई गेस। सो अगर एनसीईआरटी में है तो दे कैन आस्क इन बोर्ड्स फॉर श्योर, बट इलेवेंथ में बोर्ड्स नहीं होता तो, बट फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। So according to Mulliken, electronegativity of any element is average of its ionization energy and electron affinity. IE का मतलब क्या होता है, ionization। बहुत ही सिंपल सा इनका कॉन्सेप्ट था एक्सप्रेशन, उन्होंने सिंपली बोल दिया कोई भी मेटल का अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो मैं उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को
और उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट आर एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो यूनिट यूज कर रहे हैं हम फॉर एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, इट विल बी देयर इन नेक्स्ट क्लास, इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये एक्स एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर मुझे कंपेयर करना है मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दैट वी कैन ऑल्सो डू। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पॉलिंग वैल्यूज। पॉलिंग की जो भी वैल्यूज आई थी उसमें से ये 2.8 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल, और ये ज़्यादा है उससे 2.8 टाइम्स। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स पी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं XP के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब पॉलिंग के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2.8 यहाँ डेनोमीटर में आ जाएगा इनटू 2.8 विच इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 5.6। राइट डाउन दिस, इस पे यू माइट कम अक्रॉस फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक यू माइट कम अक्रॉस फ्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज जस्ट नोट डाल के वन मोर थिंग, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर गिवन इन किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है, किलो जाउल्स पर मोल में अगर गिवन है तब क्या होगा। तो मॉलिक्यूल की वैल्यू तो आपको पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 96.48 से, अगर किलो जाउल्स में वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अगर किलो कैलोरीज में है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे तो यहाँ पे लिख लो दिस इन किलो कैलोरीज पर मोल। अगर किलो जाउल्स पर मोल में है तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें से, ओके, तो ये अगर मॉलिक्यूल की वैल्यू हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सपी की आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2.8 इनटू 96.48 विच विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5। लिखो,
थर्ड एक्सप्रेशन जो है थर्ड एंड लास्ट इज योर अल्फ्रेड्स रेशाओ एक्सप्रेशन. ओके, तो अब इन्होंने भी अपना एक अलग एक्सप्रेशन दिया. सो अकॉर्डिंग टू देम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये इन्होंने कुछ कुछ वैल्यूज लेके कैलकुलेट किया है. यहाँ पे ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. दिस इज सम न्यूमेरिकल वैल्यू. जेड इफेक्टिव आपको पता ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस. दैट इज योर कोवेलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट इन ए. ओके, अब क्वेश्चन अगर इसमें से तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब वैल्यूज आपको गिवन रहेंगे. जेड इफेक्टिव, रेडियस, सब गिवन होगा क्वेश्चन में. ओके, ओके, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज योर कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. That is some other periodic properties. के अलावा क्या पूछ सकते हैं, डेंसिटी पूछ सकते हैं आपको कि डेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड. पहले बात करते हैं इन अ ग्रुप. डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज in a group increase in atomic mass is much more than increase in corresponding atomic volume. सो वॉट दस दिस स्टेटमेंट सीज. आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. सो आई कैन राइट डाउन हियर, वन सेकेंड. Density is equal to mass upon volume. This is your simple formula. अभी इस formula में जब हम top to bottom आते हो आप in a periodic table, so what happens is कि mass ज़्यादा बढ़ रहा है, volume भी बढ़ रहा है. ऐसा नहीं कि volume नहीं बढ़ रहा है. Size बढ़ेगा तो of course volume तो बढ़ेगा ही, तो mass भी बढ़ रहा है, volume भी बढ़ रहा है, but mass ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से volume कम बढ़ रहा है. तो all together अगर आप density देखोगे तो top to bottom आपके पास density is going to increase. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि ऑफकोर्स जहाँ एक्सेप्शन आया नहीं केमिस्ट्री में, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि डेंसिटी जो है ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम. पहला तो ये, एंड सेकंड डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन density of calcium.
अब ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन देख लो. इन केस ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम एंड कैल्शियम, देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम. Due to which density decreases. तो जैसे ही आप सोडियम से पोटेशियम पे आ रहे हो तो बाकी सब केसेस में तो डेंसिटी इंक्रीज होता ही है, बट सोडियम एंड पोटेशियम में देख लोगे अचानक से पोटेशियम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सोडियम, जिसकी वजह से पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी किसी कंपेरेटिवली सोडियम के कंपेरेटिवली. ओके, तो अगर मुझे डेंसिटी लिखना है ग्रुप वन के लिए तो सबसे ज्यादा तो सीजियम का होगा, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होता है, देन रुबिडियम का होगा. अब पोटेशियम का आना चाहिए बट पोटेशियम की जगह आ जाएगा सोडियम, देन पोटेशियम और लास्ट में लिथियम. तो ये आपको इधर डिफरेंस देखने को मिलेगा. ग्रुप टू की अगर आप बात करो तो ग्रुप टू में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरीलियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. यहाँ पे ये बेरीलियम यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लास्ट में आना चाहिए था, बट यही ऑर्डर है, आपको लर्न करना पड़ेगा. ग्रुप वन का तो आपको पता ही दिया मैंने, यहाँ पे डिफरेंस आएगा. कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो डिफरेंस है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट बेरीलियम भी जो यहाँ पे होना चाहिए था वो यहाँ आ रहा है. ओके, अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है. बेरीलियम पोजेसेस मोर डेंसिटी देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है, बेरीलियम का साइज सबसे छोटा होता है. अब टॉप टू बॉटम आओगे तो बेरीलियम सबसे छोटा है और बेरियम सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका साइज इतना छोटा है, मतलब इतना वॉल्यूम डेनोमीटर इतना कम हो जाता है कि डेंसिटी बढ़ जाती है. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न दैट बेरीलियम हैज़ हायर डेंसिटी एज कम्पेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. राइट डाउन दिस. ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अ पीरियड. इन अ पीरियड डेंसिटी क्या होने वाला है. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डेंसिटी फर्स्टली इंक्रीजेस, पहले तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, reaches maximum, एक maximum value आएगी, ये D block जब आता है वहां पे maximum हो जाएगा, and then starts decreasing in the case of P block. तो हो क्या रहा है, जैसे आप यहाँ से जाते हो एस ब्लॉक आता है फिर डी ब्लॉक आता है, धीरे धीरे बढ़ेगा मैक्सिमम होगा, और जैसे ही पी ब्लॉक आएगा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डेंसिटी आपकी कम होने लगेगी. तो दिस इज द ऑर्डर फॉर डेंसिटी हियर
इन अ पीरियड, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा. राइट डाउन दिस. Next is order of melting point. In a group की बात करें, जब हम group में आते हैं तो melting point क्या होगा? For S block, melting point decreases down the group. जैसे जैसे group में नीचे आओगे तो melting point decrease होता है. डी ब्लॉक की बात करो, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ई ब्लॉक की बात करो, इन बोरॉन फैमिली, बोरॉन एंड कार्बन लिख लो, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप. फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली टू इनर्ट गैस फैमिली, लास्ट वाली फैमिली, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप. ठीक है, ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी. और इन अ पीरियड की बात करें, अगेन फॉर एस ब्लॉक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा धीरे धीरे, डी ब्लॉक तक पहुंचेगा और इंक्रीज होगा, डी ब्लॉक पे भी इंक्रीज हो रहा है और पी ब्लॉक में आके डिक्रीज होने लगेगा. तो आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक आया, फिर पी ब्लॉक आया, तो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर इन अ पीरियड, अगर आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट. सो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया आपका. ओके, दिस होल चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था.